हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो हिंदी में है और आज मैं बात करने वाली हूँ पीसीसी के बारे में। पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको कैसे रजिस्टर करना है, क्या उसका प्रोसेस है, कितने दिन में आपको पीसीसी मिल जाती है। चलो फिर देखते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले पीसीसी के प्रोसेस के लिए आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो तो आप ईजिली लॉगिन कर सकते हो, बट अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपको पहले रजिस्टर करवाना होगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपने पहले ऑलरेडी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या फिर फ्रेश पासपोर्ट या फिर पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अगर आपने इसी वेबसाइट से कभी भी फॉर्म सबमिट किया हुआ है तो फिर आपको री रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लॉगिन से फॉर्म सबमिट कर सकते हो। पीसीसी की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप इंडिया के बाहर जा रहे हो जॉब के लिए या फिर इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर करना होगा, फिर आपको पीसीसी वाला जो सब हेड है वो आपको खोलना है और एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा आपको। वो ऑनलाइन फॉर्म बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी वो फॉर्म फिलअप करने के लिए। बस वो फॉर्म को आप फिलअप कीजिए और फिर आप ऑनलाइन ही डायरेक्टली इसको सबमिट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल बेसिक डिटेल्स पूछे गए हैं और इतने सिंपल बेसिक डिटेल्स है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूछने के लिए। आपको एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे ये फॉर्म भर के दीजिए या फिर आप अपलोड करके दीजिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप पहले ये पीसीसी के फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिए, फिर इसको अपलोड कीजिए। तो एक कुछ थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस हो जाता है, तो बेटर है कि ये ऑनलाइन फॉर्म को ही आप उसे फिलअप कीजिए और फिर आप इसे सबमिट कर दीजिए। बहुत ही छोटा फॉर्म है, बहुत ही टाइम सेविंग फॉर्म भी है, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसको भरने के लिए। हार्डली 4 मिनट से भी कम टाइम लगेगा ये पूरे फॉर्म को भरने के लिए। उसमें ज़्यादातर तो सिर्फ आपकी बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि पासपोर्ट डिटेल्स पूछे जाते हैं और आपके यहाँ की लोकल डिटेल्स पूछी जाती हैं, क्या पर्पस है जिसके लिए आपको पीसीसी चाहिए। तो बस इसी बेसिक डिटेल्स। एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर लिया है, आपने अपने पसंद का नज़दीकी वाला पीएसके सेलेक्ट कर लिया है, डेट आपने सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद में आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उसी पे आपको एसएमएस आएगा कि आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है इस डेट के लिए और इसी पीएसके में। तो बस जब एसएमएस आ जाए तो मतलब आपका प्रोसेस, जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ लाइक द फर्स्ट पार्ट विच हैव कम्प्लीटेड नाउ। हाँ, और एक बात का ध्यान रखना कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो एंड में एक ऑप्शन आएगा एसएमएस सर्विस, तो उसके लिए आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एसएमएस सर्विस इट्स वेरी चार्जेबल, इट्स एक्सपेंसिव ऑल्सो। बट क्या होता है कि इसमें एक ही बार एसएमएस आता है, वो भी तब आता है जब आपका पीसीसी घर पे आने वाला होता है, तभी एसएमएस ये लोग डिलीवर करते हैं कि हाँ आपका पीसीसी अब पहुंच रहा है घर पे। लेकिन फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड ये आपको एक भी मैसेज नहीं भेजेंगे कि हाँ आपका कितना प्रोसेस हो चुका है या फिर और कितने दिन लगेंगे। ऐसे कोई अपडेट्स आपको मिलती नहीं एसएमएस पे, तो ये एसएमएस सर्विस आपको लेनी नहीं चाहिए क्योंकि वैसे भी आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला हुआ है तो ईमेल पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं या फिर आपको कहाँ पर जाना है। और इनफैक्ट आपने जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी जो फिलअप किया है अपने फॉर्म में, उससे भी आपको फ़ायदा होगा कि पुलिस स्टेशन से भी आपको कॉल आता जाएगा कि हाँ आपके ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँच हैं। तो एसएमएस सर्विस बिल्कुल भी मत लीजिए, इट जस्ट लाइक वेस्ट ऑफ मनी आई फील। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको लग रहा है कि आपको एक्सपीरियंस लेना है तो फिर आप ले सकते हो, बट मैंने तो देखा है ऐसे ऑलरेडी, मैंने 2 बार लिया था एसएमएस सर्विस, बट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एसएमएस एक ही बार आता है, वो भी जब पीसीसी घर पर पहुंचने वाली होती है तभी मिलता है एसएमएस उनकी तरफ से, पासपोर्ट सेवा केंद्र से एक ही बार मैसेज आता है। तो फिर एसएमएस सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारा ईमेल एड्रेस उनके पास है, फ़ोन नंबर भी उनके पास है, तो ये लोग आपको अपडेट वैसे भी देते रहेंगे। अब आपको करनी होगी तैयारी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरे हुए हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड हैं और आपके पास अभी मौजूद हैं, तो बस उसी डॉक्यूमेंट्स की आप तैयारी कीजिए। और आपको ओरिजिनल लेके जाना है और साथ में उसका जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना है। आपका जो ओल्ड पासपोर्ट है, करंट पासपोर्ट है, उनका दोनों का फ़ोटो कॉपीज और ओरिजिनल फर्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज वो लेके जाना है। आपका आधार कार्ड है और वो भी ज़रूरी है कि ओरिजिनल और फोटोकॉपी वो लेके जाना है। और कोई भी अगर आईडी प्रूफ जिसमें आपने टिक किया है फॉर्म भरते टाइम पे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर वोटर्स आईडी कार्ड है, तो ऐसा कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपने जो टिक किया है फॉर्म भरते टाइम, वो डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल्स और
साथ में फोटोकॉपी उनकी एक एक आपको लेके जानी है। मैं तो यही कहूँगी कि आप दो लेके जाओ इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन फोटोकॉपी, बिकॉज पता नहीं कभी हाथ से स्लिप हो गए या फिर कभी कुछ कुछ हो गया डॉक्यूमेंट्स को, तो वाई शुड यू टेक अ रिस्क? इट्स बेटर दैट यू ऑलवेज हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी इन योर हैंड। और ये एक्स्ट्रा कॉपी तो आपको बाद में वैसे भी कहीं ना कहीं यूज़ होने वाली जिस है। दिन आपका अपॉइंटमेंट है तो उस दिन आप आधे घंटे पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र में पहुँच जाओ, सारे अपने ओरिजिनल्स और फोटोकॉपीज, दो दो फोटोकॉपीज को लेकर। तो जैसे आप एंट्री पे देखोगे तो वहाँ पे रहेंगे कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स, तो आपको उनको अपना अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम दिखाना पड़ेगा फ़ोन से। आपको हार्ड कॉपी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन पे जो आपको SMS मिला है, जो फॉर्म भरा था तो आपको SMS मिला होगा, तो बस वो SMS दिखाकर आप अंदर एंटर हो सकते हो। और एक चीज़ और एक बात है कि ये जो पुलिस लर्न सर्टिफिकेट है उसकी फ़ीस है 500 रुपीज़ जो आपको ऑनलाइन भरनी है। एंड अगर आप एजेंट के थ्रू करवा रहे हो तो ऑब्वियसली एजेंट अपनी खुद की फ़ीस भी इंक्लूड करेगा, तो वो करीब करीब हो जाता है 750+ हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस वेर यू लिव इन। ठीक है, तो वैसे तो लीगली अगर आप ऑनलाइन खुद कर रहे हो जाता है 500 रुपीज़ में। तो आप अपना पहले SMS दिखाओ एंट्री गेट पे। तो जैसे आप एंट्री गेट पे पहुँचते हो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को आपको दिखाना पड़ेगा SMS जो आपको मिला हुआ है पासपोर्ट सेवा केंद्र से कि आज आपका अपॉइंटमेंट है और इस टाइम पे आपका अपॉइंटमेंट है। वो वेरीफाई करने के बाद में वो आपको अंदर जाने देंगे। फिर अंदर जाने के बाद में वहाँ पे काउंटर्स रहते हैं, तो आपको काउंटर्स पे जाके लाइक क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। और फिर जैसे ही आपका नंबर आ जाता है तो आप उनको बोलो कि आप यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आए हुए हो, आपको अप्लाई करना है, तो बस उस हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे मांगते जाएंगे, तो वो आप उनको दे दीजिए। वो लोग आपसे हर एक डॉक्यूमेंट का दो दो फोटोकॉपीज मांगेंगे। जैसे अगर आपने लिखा है आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर्स आई डी कार्ड है और पासपोर्ट है, सब की उनको दो दो फोटोकॉपीज चाहिए, तो वो सबमिट आपको करनी होगी। जो भी आपने फॉर्म में लिखा हुआ है, जो भी आपने टिक किया है, वही डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे, तो वो आपको वहाँ पे काउंटर पे सबमिट करना है। वो वेरीफाई करेंगे आपके पासपोर्ट डिटेल्स के साथ में। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिए हैं और समझो कि अगर आपके पास उसके फोटोकॉपीज नहीं हैं तो उसी ऑफिस में वहाँ पे फोटोकॉपियर हैं जो आपको फोटोकॉपीज करके देते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लाइक एक कॉपी का वो लोग 3 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अब जो मैं बात कर रही हूँ ये बॉम्बे शहर की बात कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं आपके शहर में शायद ये चार्ज कम या ज़्यादा हो सकता है। तो बेटर है कि हम लोग पहले से अपनी तैयारी करके रखें और हम हर एक डॉक्यूमेंट का दो दो फोटोकॉपीज लेके जाए साथ में। जब आपके पेपर्स वेरीफाई हो जाते हैं आपको अपना पासपोर्ट मिल जाएगा और साथ में आपने जो भी फोटोकॉपीज और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था वो भी आपको साथ में मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रहे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी के ऊपर आपका टोकन नंबर लिखा गया है, तो यही टोकन नंबर आपको याद रखना है क्योंकि ये टोकन नंबर आपको अंदर काम आता है। तो जब आपको ये अपने पेपर्स मिल जाते हैं आपको और अंदर जाके प्रस्थान करना है। अब आ गए हैं आप वेटिंग एरिया में। तो वेटिंग एरिया में आपको बहुत सारी चेयर्स दिखाई देगी, आपको कोई भी एक चेयर पर जाके बैठ जाना है जहाँ भी आपका मन करे। ठीक है, तो ये वेटिंग एरिया में सामने की तरफ पे एक टीवी स्क्रीन लगाया होगा और उस टीवी स्क्रीन पे आपका टोकन नंबर आएगा और टोकन नंबर के बाजू में एक और एक कॉलम होगी, वहाँ पे लिखा होगा कि आपको कौन से काउंटर पे जाना होगा। जो पहला काउंटर है वो है ई काउंटर, लेटर ई काउंटर। अब जैसे ई काउंटर में भी बहुत सारे सीरीज हैं, जैसे कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। तो जब आपका टोकन नंबर आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई देता है उसी के बाजू के कॉलम पे लिखा होगा कि आपको कौन से नंबर के कैबिन में जाना है, काउंटर पे जाना है, जैसे कि A5 है या A8 है या A1 है। और दूसरी बात याद रखनी है कि वहाँ पे टोकन नंबर अनाउंस नहीं किया जाता है, आपको अपना पूरा ध्यान टीवी की स्क्रीन पे रखना है। वेटिंग एरिया में हो और जैसे ही आपको अपना टोकन नंबर टीवी के स्क्रीन पर दिखाई देता है आप उसी के बाजू में देखिए कि वहाँ पे एक। तो जब आपको अपना टोकन नंबर टीवी के स्क्रीन पर दिखाई देता है मतलब कि अब वक्त आ गया है कि आप प्रोसेसिंग एरिया की तरफ प्रस्थान करें।
तो जो भी काउंटर नंबर लिखा है, यानी कि जो भी कैबिनेट नंबर लिखा है ए काउंटर पे, जैसे कि A1, A5 या A7, तो बस आप उसी के कैबिनेट, अभी आप वेटिंग एरिया में बैठे हो और जैसे ही आपको अपना टोकन नंबर टीवी के स्क्रीन पे दिखाई देता है, तो आपको अभी प्रोसेसिंग एरिया में प्रस्थान करना है। तो जो भी आपको कैबिनेट नंबर मिलना है, फॉर एग्जांपल A5 या फिर A9 या फिर A1, बस आप उसी कैबिनेट के तरफ चल लीजिए। तो जैसे आप वहाँ पर जाओगे, आपको सामने कोई लेडी या फिर कोई जेंटलमैन दिखेगा, जो एक वहाँ पर काम करने वाला ऑफिसर है। आप वहाँ पर जाइए, चेयर पे बैठिए ग्रीटिंग करने के बाद में, और वो आपसे पूछेंगे कि अपना फॉर्म दीजिए। तो आप अपना जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म है उनको सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद में ऑफिसर्स कुछ आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि किस कंट्री के लिए आपने PCC अप्लाई किया है, आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो, आपका जॉब टाइटल क्या है, क्या आपने इससे पहले भी PCC के लिए अप्लाई किया था। तो वैसे कुछ जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसके आपको ऑनेस्टली आंसर्स देने हैं। फिर उसके बाद में आपका फ़ोटो क्लिक करेगा या फिर करेगी, ठीक है। और उसके बाद में आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद में फिर से वो आपका जो भी डिटेल्स आपने दिए हैं वो वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद में आपका जो फॉर्म है जेरॉक्स कॉपी के साथ में, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे, वो सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे वापस। तो बस उसी पेपर्स को उठाना है, उनको थैंक यू बोल के फिर चल देना है दूसरे एरिया की तरफ। तो बस आपको वहाँ पे भी एक छोटा सा वेटिंग एरिया है, वहाँ पे आपको वेट करना है, बैठना है, जहाँ भी आपका मन करे आप वहाँ पे बैठ सकते हो। ध्यान रहे कि आप इधर उधर ध्यान ना देकर सिर्फ टीवी स्क्रीन पे ध्यान दें, क्योंकि वहीं पे आपको अपना टोकन नंबर दिखाई देगा, सेम टोकन नंबर जो आपके फॉर्म पे है, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर है, वही टोकन नंबर, सेम टोकन नंबर आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब आपका काम ई काउंटर का काम आपका ख़त्म हो गया है। अभी आपको जाना है काउंटर बी की तरफ। तो जब बी काउंटर पे जा रहे हो, तो वापस से वो कैबिनेट के जो नंबर से वो दिखाई देंगे आपके टोकन नंबर के अगेंस्ट में, यानी कि टोकन नंबर के बाजू में और एक कॉलम होगा, वहीं पे आपको अपना कैबिनेट नंबर दिखाई देगा, फॉर एग्जांपल B1, B4, B6 वैसे कुछ, क्योंकि यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो आपको अपना पूरा फोकस रखना है टीवी के स्क्रीन पर, क्योंकि अगर आपका ध्यान कहीं और है, आपका टोकन नंबर आया और फिर उसके बाद में आपने अगर ध्यान नहीं दिया, तो ये फिर हो सकता है कि वो आपका प्रोसेस कैंसिल कर दे। अभी आपने देखा कि आपका टोकन नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है काउंटर बी की तरफ जाने के लिए। काउंटर बी इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू सेवरल कैबिनेट्स, जैसे कि B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, ठीक है। वैसे कई काउंटर्स हैं, कई कैबिनेट्स हैं। तो जिस बी कैबिनेट में आपका टोकन नंबर दिख रहा है, बस वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर भी कोई फीमेल या मेल होगा, और वो आपसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म मांगेंगी जो आपको सबमिट करना है, और जो भी क्वेश्चंस काउंटर ए पे पूछे गए थे वैसे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वापस। तो आपको उसके सही सही जवाब देने हैं, और एक बार आपने अच्छे से जवाब दे दिया, वो आपके फॉर्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि जो भी आपने फोटोकॉपी सबमिट की है वो वेरीफाई करेंगे आपके ओरिजिनल के साथ में। एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में वो आपको सारा वापस दिया जाएगा। क्या वापस मिलता है? आपका पासपोर्ट, आपके ओरिजिनल्स और आपकी फोटोकॉपीज, साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो बस एक बार काउंटर बी से वेरीफाई जब हो जाता है, यानी कि कैबिनेट बी से अगर वेरीफाई हो जाता है, तो अब आपको लास्ट काउंटर पर जाना है, जो कि है काउंटर सी। अगेन काउंटर सी इज डिवाइडेड इंटू सेवरल कैबिनेट्स, छोटे छोटे ओपन कैबिनेट्स है वहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो काम करते हैं। काउंटर बी से एग्जिट होने के बाद में आपको जाने और एक दूसरे छोटे से वेटिंग एरिया में, जहाँ पे आपको वेट करना है। जब आपको अपना टोकन नंबर दिखाई दे स्क्रीन पे, तो आप काउंटर सी की तरफ के लिए प्रस्थान कीजिए। जो भी कैबिनेट नंबर स्क्रीन पे आएगा, बस उसी कैबिनेट में आपको जाना है। वहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है,
जो भी वहाँ पे रहेगा वो आपसे पूछेगा कि आपको पीसीसी क्यों चाहिए। जो भी पीसीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे आपको काउंटर ए पे, काउंटर बी पे, शायद वही मिलते जुलते या फिर थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से ट्विस्ट करके वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपसे वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप अपने ओरिजिनल्स सबमिट कीजिए, साथ में वहीं पे वेरीफाई हो जाएंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। और लास्ट में होता है ये कि ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ले लिया जाएगा वहीं पे। जैसे ही आपका काम काउंटर सी पे ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे जो भी रहेगा वो आपको बताएगा कि आपका ये पीसीसी का एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और पुलिस आपके घर पे आएगी वेरिफिकेशन के लिए, और साथ में आपका जो ये पुलिस लर्न सर्टिफिकेट है वो घर पे भेज दिया जाएगा। तो वहीं पे आपका ये जो पासपोर्ट ऑफिस जाके या फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाके आपने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था वो वहीं पे ख़त्म हो गया। दैट मीन्स पार्ट वन इज नाउ ओवर। अब आपको काउंटर सीट से आपको अपना पासपोर्ट और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपको लेना है, कलेक्ट करना है और फिर घर के लिए निकल देना है। नेक्स्ट डे आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र से एक SMS आएगा। अगले ही दिन आपको एक SMS आएगा PSK से कि आपका वेरिफिकेशन पास हो चुका है और आपकी जो फाइल है वो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भेजी गई है। अब वहाँ से आपको वेरीफाई करवाना होगा। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के घर पे पुलिसमैन आएगा और वो आपसे आपके एड्रेस प्रूफ वेरीफाई करवाएगा। तो आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड उसको दिखाना है क्योंकि उनके पास आपका फोटोकॉपी ऑलरेडी है। तो बस आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी वो मांगते जाएंगे वो आपको उनको दिखाना है। वेरिफिकेशन के बाद में वो आपसे बोलेंगे कि आप एक पेन और पेपर लेके आइए और मैं जो भी बोलूँगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लिखना है। वो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपीज लेके जाना है। एक पुलिसमैन आता है और वो हमसे हमारा आधार कार्ड मांगता है, तो हमें बस उसे अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाना है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी हमारी फोटोकॉपी है, हमारी फाइल ऑलरेडी उसके पास है। तो बस आधार कार्ड वेरीफाई करेगा और उसके बाद में वो आपसे एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देगा, वो लिस्ट जिनकी आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपीज लेके जानी है। और कब लेके जाने हैं उसके लिए आपको अगले कुछ दिनों में आपका जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहीं से आपको फ़ोन कॉल आएगा कि आपको इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में आपको आना है ओरिजिनल और फोटोकॉपीज लेके। पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने के तीसरे दिन ही मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज लेके पुलिस स्टेशन आ जाइए सुबह 11 बजे। और मैं नेक्स्ट डे ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। और जो भी आपके फोटोकॉपीज है वो पहले से आप करके रखे तैयार, और आपको इसके लिए सिर्फ एक ही फोटोकॉपी लेकर जानी है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको अपने 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेके जाने हैं। तो अब मैं पहुंची थी पुलिस स्टेशन में और वहाँ पे जो भी उन्होंने लिस्ट दी थी वो सारे ओरिजिनल और फोटोकॉपीज मैंने सबमिट किए, साथ साथ मैंने अपने 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स भी दे दिए। ओरिजिनल्स उन्होंने वेरीफाई करके मुझे दे दिए थे, फोटोकॉपीज उन्होंने अपने पास रखी थी आगे की प्रोसेसिंग के लिए। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रहे हो पुलिस स्टेशन से, बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपका रूम नंबर है या कोई एक्स्ट्रा लेटर नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होना चाहिए कि या फिर कोई भी नंबर या लेटर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना भी अगर डिफरेंस आ जाता है तो पुलिस बोलेगी कि आपका वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसके लिए कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, जो नॉर्मल टाइम है उससे कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर ये आगे दिक्कत होती है तो फिर आपको फिर दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है, जहाँ पर आपको जाके वेरीफाई करवाना पड़ता है कि ये आप ही का नाम है, ये आप ही का एड्रेस है, तो वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो प्लीज़ बी श्योर कि आपने जो एड्रेस प्रूफ दिया है या कोई भी ID प्रूफ दिया है वो आपकी पासपोर्ट की डिटेल से मैच करता होना चाहिए। कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो गया, गलत हो गया, आगे पीछे हो गया, ये लोग बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं करते। 4 दिन बाद यानी कि ट्यूसडे को मुझे SMS आता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुके हैं, अब आपके घर पे PCC भेजी जाएगी।
तो आपको थोड़े दिन के लिए इंतजार करना होगा। तो मेरे ख्याल से हमें SMS सर्विस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे वो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा गया है। PCC एप्लीकेशन फॉर्म पे एक ऑप्शन दिया है कि आपको SMS सर्विस चाहिए या नहीं। अगर आपको चाहिए तो आपको टिक करना है, बट मैंने वो सर्विस नहीं ली थी क्योंकि वैसे भी मुझे पता था कि आपको SMS आते रहेंगे, आपको ईमेल अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो फिर एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है।